Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 20th May 2020, subject English Grammar, Class 2, Book the Grammar Right Book, Chapter 3. My dear students, in the last class we were doing the revision of chapter noun, right? So, हम लोग पिछले क्लास में chapter noun के ऊपर उसके बारे में revision कर रहे थे. तो आज हम आपको कुछ exercises देंगे अपनी तरफ से. हम चाहते हैं आप ये practice करें और ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझे. चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं. नंबर वन, रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द नाउन्स. इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें सर्कल करना है आपको नाउन को, ठीक है. तो सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन को आप क्या करेंगे, सर्कल. जैसे देखिए, ए ही हैज अ पेट डॉग नेम्ड मैक्स. तो इसमें से नाउन कौन सा है, मैक्स. ओके, तो इसमें आपको नाउन को सर्कल करना है. नंबर बी, अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो सेंटेंस में नाउन कौन सा है, अमित. तो उसे आपको सर्कल करना है. नंबर सी, मुंबई इज अ बिग सिटी. तो इसमें नाउन कौन सा है, मुंबई. उसे सर्कल करना है, ठीक है. तो आपको इसी प्रकार से ये नाउन को सर्कल करना है. ये ए बी एज ए टू एल. ओके, यू हैव टू रीड द सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज द नाउन एंड यू सर्कल द नाउन. आप इस सेंटेंस को पढ़ के समझ के नाउन को सर्कल कीजिएगा. नंबर टू, राइट टू नाउन्स फॉर इज ग्रुप. यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, जैसे पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, सिटी, रिवर, पेट डॉग्स, टीचर. तो इसमें आपको दो नाउन्स लिखना है, दो नेम कोई भी. जैसे पीपल, पीपल के लिए आप लिख सकते हैं राम, मोहन. प्लेस के लिए जलपाईगुड़ी, कोलकाता. ओके, एनीथिंग बट टू नाउन्स. आपको यहाँ पे दो नाउन लिखना पड़ेगा हर ग्रुप के लिए. ओके, नाउ नंबर थ्री, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस. यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सेंटेंस आपको पढ़ना है, उसके बाद इसमें जो कॉमन नाउन है उसे अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन है उसे सर्कल करना है. आपको तो पता ही होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं. ओके, ए आई लिव इन नेपाल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री. देखिए यहाँ पे ए में क्या है, आई लिव इन नेपाल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री. नेपाल क्या है, प्रॉपर नाउन है तो उसे सर्कल करना है, और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन, तो उसे अंडरलाइन करना है. नंबर बी, वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ मिसेस त्रिपाठी. चिल्ड्रेन क्या आपका कॉमन नाउन है तो उसे अंडरलाइन करना है. मिसेस त्रिपाठी प्रॉपर नाउन है, उसे सर्कल करना है. नंबर सी, रामा बॉट ए न्यू कार. रामा क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसे सर्कल करना है. और क्या है, कॉमन नाउन, उसे अंडरलाइन करना है. तो आपको इसी प्रकार से आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है. ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे. Got it? Have you understood what I told? First of all, you have to read what is noun. आप पहले noun का chapter को पढ़ के समझेंगे noun क्या है और proper noun, common noun क्या है. उसके बाद आप ये read the sentence and circle the nouns. इसको सबसे पहले आप sentence पढ़ के समझ के यहाँ noun को circle कीजिएगा. उसके बाद number टू में है write two nouns for each group. तो आपको जो nouns है आपको two nouns लिखना है हर group के लिए या नेम्स, ठीक है, नाउन्स या नेम्स. नंबर थ्री, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस. इसमें बोला गया है कि आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है कौन सा कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है. तो आप इसको पहले सबसे पहले चैप्टर पढ़ के समझ के ये सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.